नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएलपी खबर यूट्यूब चैनल। जिद है सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बाबू। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खैरमान जलाशय में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद नहीं हो पाई सिल्ट की सफाई। बलरामपुर जनपद के विकास खंड हरैया सदघर क्षेत्र के दर्जनों गाँव के फसलों की सिंचाई के लिए बने खैरमान जलाशय में लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी सिल्ट की सफाई नहीं हो पाई है। फसल का उत्पादन बढ़ाने व किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार व विभागीय उदासीनता के चलते सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। जलाशय व संबंधित नहरों में सिल्ट की सफाई न होने से खैरमान का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। फसलों की सिंचाई न हो पाने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर सिल्ट सफाई की जाँच व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। बताते चले कि जिले के अति पिछड़े क्षेत्र हररैया सतगुरा ब्लॉक को हार्ड एरिया वाला क्षेत्र माना जाता है। यहां फसलों की सिंचाई के लिए तमाम जलाशय बनवाए गए हैं। इन्हीं में से एक खैरमान जलाशय के पानी से क्षेत्र के भितवरिया, मजगवा, बसंतपुर, उदयपुर, भक्ता, गनवरिया, मंडी, सहजना, टेंगनवार, महादेव बांकी, फजलाहवा, बेलवा, दम्मार व भुलभुलिया आदि गाँव के करीब 10,000 किसानों की फसलों की सिंचाई होती है। इस जलाशय में 10 वर्षों के बीच सिल्ट सफाई के नाम पर लाखों रुपये खर्च किया गया, लेकिन अनियमितता व भ्रष्टाचार के चलते अभी तक सिल्ट की सफाई नहीं हो पाई है। सिल्ट की सफाई न होने के कारण जलाशय की जल संग्रहण क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सिल्ट की सफाई न हो पाने के कारण जलाशय से संबंधित नहरों में धूल उड़ रहा है। जलाशय का पानी खेतों तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे फसलों की सिंचाई बाधित है। फसलों की सिंचाई न हो पाने से नाराज क्षेत्रीय किसान आंधी, कमलेश कुमार, राजित राम, रामफल, राजकुमार, बाबूराम, चंद्र प्रकाश, राम जागे, बेचू दयाल, राम कुमार मिश्रा, राम गोपाल, सत्यपाल, बशीर, विजय कुमार तथा अली अहमद आदि लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से खैरमान जलाशय में सिल्ट सफाई की जाँच कराए जाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? बशीर नाम है भैया हमारा। हाँ, ये जो बंधा आज झराई हो रहा है, ये जीसीबी द्वारा हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये बंधा हमारे खुदवाओं में खैरमान। हाँ, हमको पानी चाहिए। हाँ, हमको नहर का झराई नहीं चाहिए। हाँ, हाँ हमको पानी है तो गहरा है ही। पानी होगा तो हमारा जीवन होगा। हाँ, और पानी नहीं रहेगा तो मेरा जीवन नहीं रहेगा। हाँ, हम लोग सिंचाई उसी से करते हैं। है तो गनवरिया का आ जाओ, नहर से हमको क्या जानकारी होता है? तो नरेगा क्या होता है कभी कभी, तो हमको वही चाहिए, बंधा का खुदाई चाहिए। हाँ, बंधा सुरक्षित चाहिए हमको। आपका नाम क्या है? राजित राम यादव। अच्छा, ये क्या सफाई हो रहा है? अरे भैया, तो जीसीबी और यही रोटर वेटर से हो रहा है सफाई। बंधा नहीं खुद जाएगा तो ये जीसीबी और रोटर वेटर से सफाई होने से नहर पानी आएगा। यानी नहर का जो सफाई हो रहा है रोटर वेटर से किया जा रहा है? अब रोटर वेटर और जीसीबी दोनों हम देख रहे हैं चल रहा है। रोटर वेटर से क्या कराया जा रहा है? इसको जोता जा रहा है इसका बेड और क्या हो रहा है। अच्छा, यानी डूब घास को मिटाने के लिए? अब वही तो, डूब घास मिटाने के लिए रोटर वेटर चल रहा है। अब नहर खोदने से किसानों को पानी मिलेगा कि बंधा सफाई करेगा?